We are in Goa. Good morning, everybody. और आज हम जा रहे हैं अंजुना बीच, और वो भी एक यहाँ का अच्छा फेमस बीच है और काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग सा है, और वहाँ पे एक मार्केट भी है, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे. एंड आई होप कि आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि रहेगा मुझे पता है. एंड कल का दिन बहुत अच्छा था, वी गट रियली टायर्ड, बट उसके बाद हम इतना ज़्यादा सोए, इतने मॉर्निंग के हमारे प्लान्स थे वो सब नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे. ये मैंने कल ब्रीडिंग कराई थी, बहुत ही अच्छी लग रही है. इवन पेनू ने भी करवाई और लावण्या ने भी करवाई, दोनों ने करवाई. इंस्टाग्राम में हमने स्टोरी भी डाली थी. सो आज हम जा रहे हैं अंजुना बीच, और अभी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से 2 बज चुके हैं, और अब वहीं पे एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट देखेंगे एंड बीच देखेंगे. सो लेट्स गो. अंजुना बीच पे पहुंच चुके हैं. बहुत ही प्यारे प्यारे मार्केट्स हैं, बट सॉरी बहुत ही प्यारे प्यारे शॉप्स हैं, और बहुत ही फैशनेबल कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे. हमने कुछ चीज़ें खरीदी भी हैं, बट मैं आपको ये एक छोटा सा घर दिखाना चाहती हूँ. ये गोवा के घर इतने क्यूट होते हैं, ये देखो, एक अलग ही आर्किटेक्चर होता है इनका. और भी हैं, इनके कलर्स इतने सुंदर, रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, एक अलग ही वाइब्स है यहाँ की, एक अलग ही घर के मतलब ब्यूटी है. पाम्स लगे हैं ऊपर से, और ये पाम्स मैं आपको दिखाती हूँ. मतलब आपका घर ऐसे एटमॉस्फेयर से सराउंडेड हो, ओ माय गॉड. सो या अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं, लेट्स गो. गुड मॉर्निंग. सो आज है day 3 ऑफ गोवा, और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. मैं खा रही हूँ इडली सांभर और मसाला डोसा, एंड लावण्या इज हैविंग पाव भाजी. तो ये है, और आज हम जा रहे हैं अश्विन बीच. बट अश्विन बीच थोड़ा सा आइसोलेटेड सा है, बहुत ज़्यादा शांत सा है, तो वो हमें अभी हम डिसाइड कर रहे हैं. हो सकता है हम बागा में ही रहें, क्योंकि बागा भी बहुत हैपनिंग है, तो हम हो सकता है बागा में ही रहें, नहीं तो हम आज अश्विन बीच. तो बस अभी का यही प्लान है. हम लोग अपना रेडी वेडी होके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और इसके बाद अब हम लोग बीच के लिए निकलेंगे. Hey guys, so we are at Ashwin Beach, पहुंच चुके हैं हम. रास्ता कहाँ से है? इधर से चले जाते हैं ना. तो बस अब हम लोग जा रहे हैं. ये मेरी आ गई है ऑरेंज बार, जो कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में. और अब हम लोग बीच की तरफ चलते हैं. लेट मी शो यू. आप देख सकते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल बीच. कभी भी अगर आप गोवा आते हो तो अश्विन बीच ज़रूर आओ, एक यहाँ पर विजिट ज़रूर मारना है.
ये बहुत शांत बीच है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल आपको दूर दूर तक बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कम। तो इस बीच की एक अलग ही ब्यूटी है, लाइक जो बागा बीच और अंजुना बीच है ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं और बड़ा हैपनिंग सा माहौल रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर जिन लोगों को बहुत शांति और पीस विद फैमिली तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं। तो इसकी एक अलग ही ब्यूटी है, मतलब मैं बता नहीं सकती, इट्स सो सो ब्यूटीफुल। सी सबसे पहले कहीं बैठ जाते हैं और उसके बाद इसको इंजॉय करते हैं। अगर मसाज बना लेगा तो रिलैक्स मिल जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग कोकोनट वाटर, काफी मीठा है, अच्छा पानी है। तो मैं फुट मसाज करवा रही हूँ, दिस गर्ल हर नेम इज शोभा और ये मेरे पीछे पड़ गई, मुझे करवाना है करवाना है, मतलब मैं कर देती हूँ तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। बट शी इज़ रियली गुड, काफ़ी अच्छा कर रही है। थैंक यू शोभा, थैंक यू सो मच, बाय अनीता, नेक्स्ट टाइम तुमसे करवाऊंगी, नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगी पक्का। लंच में हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा एंड सम वाइट सॉस पास्ता, जो कि लावण्या का फेवरेट है, हमेशा मुझे यही खाना पड़ता है, एंड गार्लिक ब्रेड। नाइस। सो नाउ इट्स इवनिंग टाइम और अब धूप हल्की हल्की नीचे हो रही है, तो अब मुझे बीचेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब थोड़े शाम होने लगती है, तो अब मैं शायद थोड़ा बहुत पानी में जाऊंगी एंड आई विल हैव फन। Hey guys, so शाम हो चुकी है, it's 6:30 and बहुत ही प्यारा एटमोसफियर हो रहा है। हर टाइम मैं एक ही बात कहती हूँ बट गोवा में यही है, हमेशा मौसम और एटमोसफियर इतना अच्छा रहता है, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। लावण्या बीच पानी के अंदर है, मैं बाहर ही हूँ, मैं पानी के अंदर नहीं गई हूँ, तो बस अब मैं अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं थोड़ी देर में, बस आधे घंटे में 7 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो टुडे इज डे 4 ऑफ गोवा, एक्चुअली टेक्निकली डे 5, फर्स्ट डे तो हमने पंजिम में ऐसे ही निकाल दिया था, तो यहाँ गोवा बीचेस में हमारा ये 4th डे है एंड आज हम जा रहे हैं कैलंगुट बीच। तो सबसे पहले हमारा फेवरेट सागर रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ जाके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, जहाँ का कि साउथ इंडियन और चाय बहुत अच्छी है, तो अगर आप भी आते वहाँ यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे बजट में वो वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिल सकता है एंड इट्स रियली यमी और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस में भी आपके ठीक आएगा, वो आपको रिजनेबल प्राइजेज हैं उसमें। तो यस, वहीं पर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएँगे As usual. So this is Sagar Restaurant, pure vegetarian family restaurant. यहीं पे हम रोज ब्रेकफास्ट करते हैं. So yes, let's go. Oh, my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside. So breakfast is done. Market की तरफ जा रहे हैं. ये बागा बीच का main market है. और यहाँ से कुछ पसंद आएगा तो वो हम लेते हुए चलेंगे. Hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early
Hey guys, so हम यहाँ पर हैं मोरजिम बीच पे. तो पहले हमारा कैलंगूर का प्रोग्राम बना था, बट वो वहाँ पे हम पहुँचे और वो बीच हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, ना लावण्या को ना मुझे, किसी को भी नहीं पसंद आया. बहुत ज़्यादा क्राउडेड सा था और पता नहीं क्यों वहाँ पे वो फील नहीं आ रही थी. तो हम लोग वहाँ से निकल गए और अब हम मोरजिम बीच पे आए हैं.